आज उनका जन्म दिवस है तो इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो जाने कि विवेकानंद हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे बुद्धा हो गए, ये सब जो है बहुत ही अंडररेटेड है हमारे देश में। कोई इन चीज़ों की सहायता नहीं लेता है। यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं कभी कभी आती हूँ, कभी किसी युवा को नहीं देखा यहाँ पे भूले भटके आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो। मैं एक तो एक प्रोफेशनल, उसके लिए आई थिंक कर्म योग जो है, साइंस ऑफ एक्शन, उन्होंने जो कर्म के जो एक गूढ़ रहस्य हैं जिसके द्वारा आप अपार सफलता को पा सकते हैं, वो बहुत ही प्रभावित कर देने वाले हैं। तो मैं सबसे ये निवेदन है मेरा कि वो छोटी से एक बड़ी बुक भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, तो अगर वक्त मिले तो ज़रूर वो पढ़िएगा। मैं बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ और जिस तरह छोटे शहरों में लोगों का जीवन होता है उसी तरह से काफ़ी आम जिंदगी जी है मैंने, जब तक कि बड़ा फैसला किया ज़िंदगी में। अब स्वाभाविक सी बात है, जब आप कोई बड़ा फैसला करते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामने करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं और बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तो जैसा मैंने कहा, मैं एक बहुत ही साधारण सी युवती थी, तो मुझ में वो क्षमता नहीं थी कि मैं उन परेशानियों का सामना सक्षमता से कर सकूं। क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या सही तरीका है ज़िंदगी जीने का, तो इसमें इंसान उलझ के रह जाता है। और फिर जब मैंने कर्म योग पढ़ा, मैं कहूँगी कि जो काम के जो गूढ़ रहस्य हैं और जिसके करके मुझे इतनी कामयाबी मिली कि जो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे आप लोग देख सकते हैं,